नगर पालिका नीमच और प्रशासन ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए आज नीमच सिटी रोड बगीचा नंबर 12 से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। 12 बीघा लगभग अतिक्रमण मुक्त कराई जा रही इस जमीन की कीमत 100 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। यहां इंडोर स्टेडियम बनना प्रस्तावित है। बताया गया कि जल्द ही यहां पर स्टेडियम का काम शुरू होना है। जमीन पर काबिज मुकेश का कहना है कि अंग्रेजों के समय से ये जमीन हमारे बाप दादाओं के जमाने से हमारे पास है। हमारे द्वारा न्यायालयीन प्रक्रिया भी की जा रही है। बिना नोटिस दिए सुबह 7 बजे प्रशासन द्वारा JCB और बुलडोजर चलाकर हमारी खड़ी फसलों को नष्ट कर दिया गया। वहीं मोहलत दिए दरगाह के पीछे लगे टीन शेड हटाने को लेकर भी रहमत बाई ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। SDM और CMO का कहना है कि सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण को हटाने हेतु वैधानिक कार्यवाही की गई है। कार्यवाही के दौरान SDM ममता खेड़े, तहसीलदार कविता कड़ेला, CMO महेंद्र वशिष्ठ, थाना प्रभारी सौरभ शर्मा, प्रशासन और नगर पालिका के तमाम अधिकारी कर्मचारी अमले के साथ मौजूद रहे। इस बीच वार्ड पार्षद किरण शर्मा भी वहाँ पहुँची। नगर पालिका का अगे भूमि है ये और यहाँ स्टेडियम निर्माण प्रस्तावित है। लगभग 10-12 बीघा जमीन 100-125 करोड़ से अधिक कीमत की भूमि थी और यहाँ चूँकि स्टेडियम निर्माण प्रस्तावित है उसका कार्य आरंभ होना है, इसलिए अतिक्रमण हटाया गया। जो संबंधित अतिक्रामक है वो हाईकोर्ट तक जाके आए हैं और उनकी याचिका खारिज हुई है, तो अब इसमें कोई वैधानिक बाधा नहीं है। CMO ने सुनिश्चित कर लिया है कि अब इसमें कोई अन्य वैधानिक कार्रवाई नहीं है। वो कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हमारी अपील की हुई है, कोई नोटिस भी नहीं मिला। कोई नोटिस वोटिस शामिल करवा दिए गए थे, CMO ने पूरी वैधानिक कार्रवाई कर ली है और यदि कोई न्यायालयीन आदेश होता है तो उसके विरुद्ध अपील किया जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन इसको अतिक्रमण को रोकने के लिए या ना हटाने के लिए कोई ऐसा अन्य आदेश नहीं। न्यायालय निर्णय के अनुसार ये कार्रवाई की जा रही है और ये जमीन नगर पालिका स्वामित्व की है। इन लोगों ने अवैध रूप से यहाँ पर अतिक्रमण करके कब्जा किया हुआ था और न्यायालय का निर्णय नगर पालिका के पक्ष में हुआ है। साथ ही इन लोगों पर 50,000 जुर्माना भी माननीय न्यायालय द्वारा नियत किया गया। जो भी है हम तो न्यायालय के निर्णय के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी हो न्यायालय ने सब कुछ दस्तावेज इन्होंने प्रस्तुत किए होंगे सब देखकर ही निर्णय लिया है और वो निर्णय नगर पालिका के पक्ष में लिया। नोटिस दिया था इन्होंने, लेने से इनकार किया, बाद में यहाँ नोटिस इनके मकानों पर चस्पी है ना जी, और उसके बाद में फिर ये कार्रवाई की जाए। ये करीबन 12 बीघा के आसपास जमीन है और निश्चित रूप से इसका रेट 400-500 करोड़ है, 400-500 करोड़ के आसपास। अगर यहाँ कॉलोनी काट दी जाए तो निश्चित रूप से इतने राशि इसमें आए। सब कह रहे उससे मूल्य से कोई औचित्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंडोर स्टेडियम प्रस्तावित है जिसकी शासन से राशि आ चुकी है, टेंडर वगैरह भी लग चुके हैं और वो हमें शीघ्र कार्य भी प्रारंभ करवाने के लिए हम माननीय जनप्रतिनिधियों से समय ले लेते हैं। आचार संहिता के पहले ही संभावित है कि हो जाए। 70 साल से भी ज्यादा हो गई। उसके अलावा ये घर गाय का बना हुआ, कहते हैं कि गौ माता हमारी माता है, ठीक है, हमें 3 जनी ने दान करे गाय के, तुम पालना यहाँ पे, तुम्हारे जगह है तुम रखना, तो गाय का भी तोड़ दिया, वो गाय का भी तोड़ दिया, ठीक है। जब इनको घर तोड़ना था, ये जमीन लेना था, तो इनको बोलना था कि तुम 70 साल से रह रहे हो यहाँ पे, तो मत रहो, खाली कर दो, ये हमने नोटिस दिया तुम्हारे को, ठीक है। तो इन्होंने नोटिस भी नहीं दिया, हमारी बहू में सब सो रही थी, मैंने जगाया, मैंने कहा देख बुलडोजर यहाँ तक आ गया और इसको खोल। 70 साल से ये सरकार कहती है कि हमारी बहने हो तुम, ठीक है, हम तुम्हें जमीन देंगे, घर देंगे, वोट हमें देना, काय का वोट देंगे ये बताओ तुम काय। अभी 7-8 साल से यूँ समझ लो कि मोती को वोट दे रहे हैं, हम लोग वोट भी दे रहे हैं, ना सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसके अलावा भी हमारा घर तोड़ दिया वो मोती ने और शिवराज ने, नोटिस भी नहीं दिया हमारे को, सो रहे थे, हमारे हुआ करीबन 10 लाख का। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।